ओ भाई चलो थोड़ा आज मस्ती करके देखते हैं। वो एक्चुअली मुझे ना आज कॉलेज का मैं फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है तो मुझे काफी लेट हो रहा था कि आप मुझे कॉलेज तक ड्रॉप कर दोगे क्या? अरे पागल हो गया? अरे नहीं नहीं क्योंकि आपकी वजह से मैं टाइम पर कॉलेज पहुंच पाऊं। अरे यार हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दी अननोन आर्टिस्ट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, अच्छे से रह रहे होगे। सो भाई लोग स्वागत है आपका नए धमाकेदार व्लॉग में। तो यार आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज मैं जा रहा हूँ प्रणय भैया से मिलने जो कि भैया के फ्रेंड हैं और यार आपको जान के खुशी होगी कि वो भी मेरी तरह एक यूट्यूबर हैं। तो भाई लोग पहले जाके वहीं आप लोग को मिलवाता हूँ उनसे और फिर बताऊँगी उनसे मिलने का सडन प्लान क्यों बना। तो चलिए वहीं चलते हैं। सो गाइस जस्ट अभी हम लोगों ने सगुना मोड़ क्रॉस किया और आपको पता ही है पीछे में भैया है मेरा पार्टनर। सो अभी हम लोग यहाँ से कट लेके लिंक रोड में होते हुए आरपीएस जाएंगे और क्योंकि आरपीएस उनका घर जो है आरपीएस में ही है बट उनके घर हम लोग जा तो रहे हैं बट ये श्योर नहीं को घर पे होंगे या नहीं क्योंकि नॉर्मली इस टाइम वो क्लास में रहते हैं। जाके देखते हैं अगर हुए तो अच्छी बात है नहीं तो फिर वेट करेंगे और तो कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं हम लोग के पास। आज के दिन बस एक ही चीज़ अच्छी हुई कि हम लोग को लकीली ट्रैफिक नहीं मिला घर से निकलते वक्त। हाँ इस साइड में भाई यार ठंड में गाड़ी चलाना अब वो पता ही है कि बाइक से गाड़ी चलाते हुए हालत ख़राब हो जाती है ठंड में। कितना भी आप ग्लव्स पहन लो जैकेट पहन लो लेकिन भाई साहब जो ठंड लगता है सीने में वो बर्दाश्त नहीं होता। तो गाइस फाइनली एक घंटे वेट करने के बाद अब जाके प्रणय भैया आए हैं क्लास से। तो गाइस इनकी इसकी पनिशमेंट तो इन्हें ज़रूर मिलेगी। तो सबसे पहले आपको मिलवाता हूँ इनसे। यही है हमारे प्रणय भैया उर्फ बिहारी बाइकर। तो भाई पनिशमेंट ये है कि आज का जो ट्रीट है ये नहीं देना पड़ेगा हम लोग को। एक्चुअली मैं एक चीज़ बता देता हूँ मेरे क्लासेस रहते हैं जैसे कि अगर आप मेरे ब्लॉग को अगर आप देखते होंगे या फिर जानते होंगे तो मेरे क्लासेस रहते हैं तो 1 बजे मेरा क्लास ही हो रहा था और भाई अपना 1 बजे पहुँच गया था और मुझे अभी कुछ पैकिंग वैकिंग भी कराना पड़ता है अपना जो खाना है क्योंकि अभी मम्मी पापा है नहीं करते इस कारण से भाई को बार बार वेट करना मुझे अच्छा नहीं लगता बट ये सब बहाना नहीं चलेगा भैया छोटा भाई हक बनता है बट आज तो पनिशमेंट है तो आपको देना ही पड़ेगा। ट्रीट का क्या है ट्रीट तो अभी दिल बड़ा है। तो चलिए इसी बात पे चलते हैं बीबीक्यू पटना बीबीक्यू में चलते हैं। देख रहे हो छोटे भाई के लिए बस हम लोग मोमोज खाएंगे। देख रहे हो सस्ते में नहीं पड़ रहे हैं। तो ये आज का जो सीन है वो यही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो इनके पास आने का जो रीज़न था ये था कि मैं अपनी बाइक का मॉडिफिकेशन करवाने का सोच रहा था डीकेल करवाने का सोच रहा था। तो कल मैंने भैया की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने R15 का बहुत अच्छा डीकेल करवाया था। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं क्योंकि इनके पास आइडिया है तो हम लोग मोटोमाइल जा रहे हैं। तो चलिए भाई लोग वहीं चलते हैं वहीं मिलेंगे और मिलते हैं GoPro में। सो भाई लोग आप लोग को एक और खास चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो सामने में प्रणय भैया निंजा 300। भाई बाइक भी तबाही है तबाही मतलब सुपर बाइक मैंने कभी नहीं चलाई स्पोर्ट्स बाइक बट आज इनकी बाइक का टेस्ट है ज़रूर लूँगा। ये देखो फुल गेटअप में फुल सेटअप में है भाई। और कौन चीज़ देख रहे हो मतलब निंजा 300 दिखी तो भैया ने पार्टी बदल ली जाके उसी बाइक पर बैठ गया। अगर इस एरिया में आकर दिल खुश हो जाता है मतलब लिटरली इतना मज़ा आता है बोल नहीं सकता। अगर आप लोग भी आते हो तो आपको पता है क्या सीन है यहाँ का क्या मस्त वाली फीलिंग आती है इधर। ओ भाई चलो थोड़ा आज मस्ती करके देखते हैं। ओ भाई 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 ये क्या हो गया यार क्या वो बोलिए अरे ये GoPro है कैमरा है ये पक्का ना आप कोई शूट तो नहीं कर रहे हो? नहीं आप टेंशन मत लो यार हम लोग व्लॉगर्स हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं अपने हम सेफ्टी के लिए हम लोग यूट्यूबर्स हैं आप टेंशन नहीं लो हम लोग अच्छे सीधे साधे बंदे हैं यार। वो एक्चुअली मुझे ना आज कॉलेज का मैं फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है तो मुझे काफ़ी लेट हो रहा था कि आप मुझे कॉलेज तक ड्रॉप कर दोगे। ठीक है अरे पता नहीं भैया लिफ्ट मांग रही थी हमें रुकवाया मुझे लगा कोई दिक्कत है। लेट हो रहा है कॉलेज का मेरा लास्ट मतलब फॉर्म फिलअप करने का डेट है। कौन कॉलेज में क्या करें बोलिए कर दो ना कब से मैं ऑटो और रिक्शे का वेट कर रही हूँ बट कोई मिल नहीं रहा है। क्या किया जाए भैया बोलिए एन कॉलेज मुझे काफ़ी लेट हो रहा है। ठीक है चलो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ जी लास्ट डेट है। ठीक है चलो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ आप बैठ जाओ आराम से। ठीक है बट ये सीट बहुत ऊंची है। अरे नॉर्मली स्पोर्ट्स बाइक इतनी होती है आप बैठ जाओ आराम से कोई दिक्कत नहीं मैं आराम से चलाऊंगा पक्का ना। हाँ पक्का यार डरो मत यार मैं सेफ्टी चलाता हूँ। अरे ठीक है ठीक है अरे नहीं नहीं यार हम लोग सेफ्टी ही चलाते हैं आप डरो नहीं आराम से बैठ जाओ।
हाँ श्योर, बैठ गए, थैंक यू, वेलकम, चलें? जी चलिए, ठीक है। आराम से बैठना, ठीक है। पता नहीं यार अभी क्या हुआ, आप लोगों ने देखा ही, मुझे से कुछ समझ भी नहीं आया। अचानक से हम लोग आ रहे थे वहाँ से तो देखा कि एक लड़की है अगर बंदी लिफ्ट मांग रही है। यार इससे पहले लिटरली कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, पर पता नहीं आज ऐसा क्या हो गया यार। अब मुझे तो उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया क्या करूँ क्या नहीं, पर तो जो सही लगा वो किया। और आजकल ऐसे डर भी लगता है, एक लड़की थी जो सुनसान जगह पर तो उसका लिफ्ट दे दी। तो आपका नाम क्या हुआ? संजना। अनुभव, सॉरी, क्या एन कॉलेज में पढ़ाई? जी, पीजी का फॉर्म भरना अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। ओह सही है यार, नहीं मैं तो म्यूजिशियन हूँ, ब्लॉगिंग भी करता हूँ यूट्यूब पे। प्रोफेशनली या फिर रिज्यूम ही? नहीं प्रोफेशनली कहते यार, ऐसे नहीं कहते। अब ग्रेजुएशन हो गया था उसके बाद तो प्रोफेशनली म्यूजिक में और मतलब ये ब्लॉगिंग कर रहे हैं। नहीं बोले ही क्या है, तो कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, बस इंस्पेक्ट वो बहुत सपोर्ट ही करते हैं, सपोर्टिव है बहुत। और दो सेकंड के बाद में लिस्ट मांगा तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि मतलब क्या करूं क्या नहीं करूं। काफ़ी लेट हो रहा था, कोई ऑटो कब से मैं वेट कर रही थी, मिल नहीं रहा था, लास्ट डेट है मेरा। नहीं इधर ऑटो कम मिलता है, वो जानते हैं सर, थोड़ा है इशू ऐसा। ओला भी बुक कर रही थी बट कुछ मिल नहीं रहा था। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है, मतलब नहीं मुझे क्या दिक्कत अगर आप कंफर्टेबल हो तो। हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, नहीं इतना सोचना नहीं है, चिल रहो आप, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आपका मतलब लोकल यहीं के हो या फिर कहीं बाहर से हो? अच्छा पटना से ही, सही है यार। नहीं मैं यहीं से हूँ, पटना का ही हूँ, पटना में एक जगह है बीटा, आईआईटी पटना के पास, वहीं से हम लोग। तो आज पटना आए हुए थे, कुछ काम था तो वही निकले हुए थे अभी। ऐसा नहीं होता, फर्स्ट टाइम मेरा कि मैं किसी लड़की को लिफ्ट दे रहा हूँ, मतलब बहुत यार नर्वस था उस टाइम पे। अरे नहीं मैं धीरे ही चलाता हूँ, अब डरे नहीं। वो तो सामने में जा रहे वो मेरा भैया है और सामने प्रणय भी है, सब डरो नहीं, हम लोग सीधे साधे बंदे हैं। सो गाइस अब हम लोग बोरिंग रोड में आ ही गए हैं, एन कॉलेज यहीं पे, आप लोगों को पता होगा ही। तो पहले जाके इनको ड्रॉप कर देते हैं, उसके बाद जो हमारा काम है वही करेंगे। यार मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा होगा, तो ठीक है जो भी हो अच्छा हुआ। तो चलते हैं, अपने को ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है। तो हम लोग को भी घर से निकले हुए बहुत देर हो गया, क्योंकि तो यहाँ से भी जाना, मोटो माइल्स में भी जाना है, वहाँ पे डिटेल्स की सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, आइडिया भी लेना है क्या कॉस्टिंग है, क्या क्या चेंजेस करवाने हैं। अनुभव, 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 यहाँ पे ठीक है, ठीक है। पता नहीं यार शायद इनको कुछ काम है, रुक जाते हैं। पता नहीं भैया रुकने के लिए बोल रही हैं, बोलेगी एक मिनट के रुकने के लिए, साइड करने के लिए। हाँ भैया हमको खुद लेट हो रहा है, चलना तो पड़ेगा क्योंकि सब आइडिया लेना है जाके, आपको पता है गाड़ी मॉडिफाई कराना, बहुत लेट हो गया ऑलरेडी, क्योंकि आपके बिना तो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो ठगा जाएंगे, आपको पता है। भैया प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, घर से आप आरपीएस में गर्लफ्रेंड को दिए मैं टाइम, इन्हें झूठ बोल रहे हैं भाई, हो ही नहीं सकता है क्या, मतलब चांसेस कम है, जा ही नहीं सकते या फिर क्या करें बोलिए। अगर तुमको जा के देखना तो तुम देख सकते हो,
देखिए उनसे थोड़ा बहुत आपको पता जान पहचान है, बट आपके थ्रू जाएंगे तो आपको पता, आपका आइडिया बताना ना, वो मेरे को पहचानते हैं, उनको मेरे बारे में बताओ, ठीक है? ठीक है चलिए, अपने को ड्रॉप कर देते हैं वहीं, बात करना करना क्या, ठीक है? भाई लोग यार आए थे किस काम के लिए, देखो आया था कि जाएंगे वहाँ मॉडिफाई करवाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो भी नहीं रहा है, क्योंकि यही सब में इतना लेट हो गया कि अब अगर वहाँ जाए तो लेट हो जाएगा। मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, बट प्रणय भैया बोल रहे हैं कि उनको कहीं और टाइम दिया हुआ, उन्होंने उनको कहीं और जाना है, यहीं पे ना, अच्छा सेकेंड गेट पे, ठीक है इस वाले पे, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे इसमें थैंक यू क्या बात है, कॉलेज पहुंचा दिया। अरे नहीं नहीं इसमें ऐसी थैंक यू वाली कोई बात नहीं है क्या, अरे पागल हो क्या, अरे नहीं नहीं आपकी वजह से मैं टाइम पर कॉलेज पहुंच पा, अरे आप इतने छोटी सी, कोई बात नहीं मेरे लिए, थैंक यू सो मच आपने मेरी, ओके वेलकम, क्योंकि मैं जा रही हूं ना जिस काम के लिए आई थी वो लेट हो जाएगा। अरे ठीक है ठीक है। सुनो संजना यार बोलने में अच्छा तो नहीं रहा, बट आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, द अननोन आर्टिस्ट। सॉरी इसमें लॉक लगा हुआ है। हाँ भैया, अच्छा गाइस एक और चीज़, भैया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनके चैनल का नाम बिहारी बाइकर, भूल गया था उस टाइम पे, देखो पीछे से बोल रहे हैं कि भाई अपना चैनल सब्सक्राइब करा है, मेरा भूल गया, देखो साइड में दिखा रहे हैं कि यहाँ बिहारी बाइकर लिखा हुआ है, देख रहे हो, और पार्टी के लिए बोलूंगा तो बोले पैसे नहीं है। देखो फॉन्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप खुद से कर दो। नाम बताइए। द अननोन आर्टिस्ट। हो गया, चलो गाइस लिफ्ट देने का एक फायदा हुआ यार कि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो गया, चलो ठीक है यार आप बाद में वीडियो देख लेना मेरी, मैं अपने दोस्तों को भी कह दूंगी। अच्छा अच्छा सुनो आप मुझे अपनी इंस्टा आईडी दे दो ना, इंस्टा आईडी, अगर आपको मन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सही मैं आपको फ़ोन देता हूँ, आप उसे टाइप कर दो। फिर आप वो कर दो, उसमें टाइप कर दो, ठीक है मैं आपको फॉलो कर लूँगा। ठीक है चलो थैंक यू, मैं फॉलो कर दूँगा, ठीक है। द अननोन आर्टिस्ट 10:10 से होगा। आप बताइए कि आपका क्या सीन है, पहले तो क्या किसी और दिन का प्लान रखे हैं, क्या बोलता है भैया, देखिए ज़्यादा देर मत करिएगा, एक आध दिन में कर लिया जाएगा, ठीक है ठीक है, फिर निकले थे अब क्या ही करें, ऐसा सीन बन गया तो भाई लोग आप जानते हैं कि हम लोग पटना किस काम के वजह से आए थे, बट यार अब ऐसा सीन बन गया कि हमें संजना को ड्रॉप करना पड़ गया, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है उन्हें ड्रॉप करना सेफली, तो उन्हें ड्रॉप तो कर दिया, बट इसके बीच कुछ ऐसा हुआ कि अब काफ़ी देर हो गई है और प्रणय भाई को भी अपना ब्लॉग शूट करने जाना, स्ट्रीट बनना के साथ में तो वो तो जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि अब घर ही चलते हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ जाके हम लोग डिटेल करवाएंगे, उनको थोड़ा आइडिया है और थोड़ा कंसेशन भी हो जाएगा, तो किसी और दिन आके अपना जो भी काम करवा लेंगे, तो यहाँ रुकने का कोई सेंस बनता नहीं, तो हम लोग घर रिटर्न जा रहे हैं। तो भाई लोग मेरे गोप्रो की बैटरी भी अब ख़त्म होने को है, इससे पहले एक गोप्रो शट डाउन हो जाए,
कि आज का जो ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर।